नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब या तो हारमोनियम नहीं तो कीबोर्ड, यही ऑप्शन है मतलब सुरों के लिए। ताल के लिए तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक तबला है या कोई ऐप है। लेकिन आप जब तानपुरा के साथ गाते हैं, या तो आप ऐप से गाते हैं या कोई भी डिवाइस से गाते हैं, तानपुरा में गाना इतना आसान नहीं है। ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, क्योंकि तानपुरा के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस तो मतलब ऐसे लिमिटेशंस नहीं है, अगर आप तानपुरा पे गा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप तानपुरा में गाते हैं और आपको सुर समझ में नहीं आता है, मतलब जैसे कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गाना है, आपने सीखा है, आपके गुरु ने आपको सिखाया है, बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सीख रहे हैं, लेकिन तो भी कुछ स्वर ऐसे होते हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, कि आपको समझ में नहीं आता है, तब आपको हारमोनियम या तो कीबोर्ड का प्रयोग करना पड़ता है या यूज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है लेकिन आपके पास कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड को आप किस तरीके से हारमोनियम के जैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं कीबोर्ड में जो हमें जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ चीजें ऐसे होती है कि बहुत जरूरत पड़ती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। देखिए, ये वीडियो कोई कीबोर्ड का वीडियो नहीं है। मैं कोई कीबोर्ड आपको सिखा नहीं रही हूं, क्योंकि कीबोर्ड सीखना मतलब होता है कि भाई वेस्टर्न म्यूजिक सीखना। लेकिन अगर आपका जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, या हम लोग जो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक सीखते हैं, या कोई और म्यूजिक सीखते हैं, हिंदुस्तानी राग सीखते हैं, उनको भी हम कीबोर्ड में बजा सकते हैं, उसका भी प्रैक्टिस हम कीबोर्ड में कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड का कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या फीचर है। देखिए, ये ऐसा होता है, मतलब ऊपर कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा, ऐसा डिस्प्ले बोर्ड। देखिए यहाँ पर ऐसे 00 लिखा है। ये जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ये टोन है, टोन मतलब उसका जो सुर है ना, उसका टोन क्या है, मतलब उसका जो जो साउंड है, साउंड का टेक्सचर क्या है, साउंड कैसा है, वो दिखाता है ये। हाँ, यहाँ पर टेम्पो है। टेम्पो मतलब क्या है कि इसका स्पीड क्या है, ये हुआ टेम्पो। और यहाँ पर एक ऐसा जो रीड्स है, मेन मतलब ये थोड़ा जो साउंड है कितना, देखिए मैंने बढ़ा दिया, इतना बड़ा बढ़ सकता है, जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम। अभी जो आप लोगों के पास जो भी होगा, छोटा मोटा, बहुत छोटा खिलौना वाला होगा तो उसमें कोई काम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब काम चलाओ जैसे, तो इसमें लगभग सेम फीचर ही होते हैं। अब देखिए, इसमें एक पार्ट है, देखिए यहाँ पर रिदम, टोन्स, ये सब लिखा हुआ है। हाँ, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। यहाँ पर सॉन्ग्स बैंक है, सॉन्ग का बैंक है, कितने तरह का सॉन्ग है वो सब है। तो मुझे अभी ये सॉन्ग बैंक का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जी उसको करते हैं तो उसमें ये ऐसे खेलने के लिए बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हमें जो काम करना है इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो इसका टोन देखिए, यहाँ पर 30 रिदम्स है, अलग अलग रिदम्स है। तो आपको ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आपको करना है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि टोन है, टोन 00, तो मैं यहाँ पर बजाऊंगी, तो आप इसमें अभी ना साउंड को चेक कीजिए, साउंड तो टंग 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 टंग। अभी ये 00 है, तो 00 में क्या है, ग्रैंड पियानो है, देखिए ग्रैंड पियानो है। अभी 01 करेंगे, तो मैं 01 करती हूँ, देखिए डिस्प्ले भी हो गया, यहाँ पर मैंने देख लिया, तो उसका साउंड क्या आएगा, देखिए। अभी फिर 02, ये जैसा है वैसा यहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 12 आएगा, 02 आएगा, हाँ 02, हाँ देखिए, ये अलग 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 टोन है। सबसे मजेदार है
कि यहाँ पर देखिए एक हारमोनिका भी होता है, यहाँ पर ऑर्गन का है, चर्च ऑर्गन, गिटार है, गिटार में देख लेते हैं, 1/5 में देख लेते हैं। तो यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग्स, देखिए स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में क्या आता है, वायलिन आता है, पिजिकेटो स्टार आता है, पता हार्प आता है, स्ट्रिंग वन आता है, स्ट्रिंग्स टू। मुझे ये स्ट्रिंग्स का जो साउंड है ना वो बहुत रिजेंबल करता है हारमोनियम के साथ। कुछ कुछ मतलब कीबोर्ड में हारमोनिका भी होता है, अगर हारमोनिका होता है तो ठीक है, लेकिन मुझे इस तरीके का जो कीबोर्ड है उसमें ये स्ट्रिंग वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताती हूँ, 28 है ये, 28 कर दिया, देखिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। पूरा हारमोनियम के जैसे तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हारमोनियम से रिजेंबल करता है। और गाने में भी सुविधा होती है, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे दा पा मा गा रे सा। अब देखिए हारमोनियम के में क्या होता है कि ये जो सुर है ना ये स्टे कर रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्टे नहीं करता है। देखती हूँ मैं 07, ये तो अलग ही है, 08 देखिए इसका आवाज, देखिए कोई स्टे नहीं कर, कट 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 कट, हमें कट कट वाला साउंड नहीं चाहिए, हमें एकदम लपेटे हुए साउंड चाहिए, मतलब मिक्स साउंड चाहिए, एक सुर के साथ दूसरा सुर मिल जाना चाहिए। देखिए ऑर्गन जैसे, पियानो जैसे, तो इस तरीके का होता है। अब देखिए जो साउंड है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ये रिदम बज रहा है। अब रिदम में ये टेम्पो क्या है, 120 है, मुझे अगर रिदम थोड़ा बढ़ाना है, इसका टेम्पो बढ़ाना है, देखिए यहां पर टेम्पो बढ़ाने का है, बढ़ गया, तो मुझे 120 में रखना है। इसमें मैं बहुत कुछ बजा सकती हूं, ऐसे बच्चे बजा सकते हैं, इस तरीके से। आपने देखा कि अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा बहुत रिदम के साथ हम बजा सकते हैं। अगर बच्चों को हम ये इंस्ट्रूमेंट देंगे और वो अगर कुछ भी उस तरीके से यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा, लेकिन उनको इसमें इतना सीखना है कि भाई कौन सा टोन के साथ हम हारमोनियम के जैसे टोन निकाल सकते हैं और उसके साथ हम गा सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है और कीबोर्ड आपके बच्चे बजा रहे हैं या आप बजा रहे हैं, देखिए क्या होता है कि हमें समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। वैसे अगर हम चाहेंगे कि हम हारमोनियम के जैसे कीबोर्ड के साथ गाएंगे वो तो पॉसिबल नहीं है और वो नहीं करना चाहिए। वैसे हारमोनियम बजा के गाने में जितना मतलब मिठास लगता है या हमारे जो ट्रेडिशन को हम मतलब देखते हैं उसमें ट्रेडिशन का हम फॉलो करते हैं, वैसे कीबोर्ड बजा के कोई गाते नहीं है, बहुत कम है गाते हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन हाँ, सुरों को ठीक करने के लिए आप जब सीखने के एक प्रोसेस में हैं तब आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि सारेगामा तो वही है, हाँ रिदम पैटर्न भी वही है, लेकिन ये जो मैंने अभी बजा रही थी राष्ट्रगीत वो वेस्टर्न बीट है, कोई कहरवा नहीं है, कोई भजनी ठेका नहीं है, वेस्टर्न बीट है। वेस्टर्न बीट के साथ तो बिल्कुल बजाया जाता है, गाया जाता है राष्ट्रगीत। ऐसे बहुत सारे अभी जो नया नया वीडियोस बनाए हैं उसमें लोग गाए हैं, तो एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है, आपके बच्चों को मिल जाता है, या आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काम में आने वाला है। आपको इसके अलावा अगर कुछ जानना है, सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे वीडियोस में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।